we have to do morning, ma'am. 12. We started that day. Let's complete it. Yeah. नहीं चुप करना बेटा, शर्म आती है कि नहीं? हटी नहीं रहे? आप उठो वहां से, उठो। हाँ आप उठो, मैंने कहा उठ जाओ, बोले नहीं बोले कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम उठो और वहां चलो। हाँ ए बी सी डी इज अ ट्रेपीजियम। A B C D is a trapezium in which A B is parallel to B C and A D is equal to B C. क्या चाहिए आपको? किसकी कॉपी? क्लास डिस्टर्ब होती है दिव्या ऐसे, दिव्यांशी ऐसे पूरा वन आवर जो पहले होता तब तुम लोग करते नहीं, पीरियड में अपनी मर्जी करते हो, फिर मजबूर करते हो मुझे कि मैं बोलूं। AD is equal to BC, आपको गिवन लिखवा दिया था, ठीक है? टू प्रूव भी आपने लिखना था खुद, कंस्ट्रक्शन करवा दी थी। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या करना था? We had to draw one line CE which is parallel to AD and meeting AB produced at E, right? लिख ली थी कंस्ट्रक्शन, उसके बाद नो लाओ दिखाओ, ड्रॉ अ लाइन सीई, कंस्ट्रक्शन वी आर राइटिंग आफ्टर टू प्रूव, जब कंस्ट्रक्शन लिखते हैं वो टू प्रूव के बाद लिखते हैं, ड्रॉ अ लाइन सीई पैरेलल टू डीए मीटिंग मीटिंग ए बी प्रोड्यूस दैट ई, ठीक है? इसको दे दो 1, 2, 3, 4, 5 and 6, राइट? नाउ लुक हियर ऑन द प्रूफ। प्रूफ देखिए बेटा, नाउ एंगल 2 प्लस एंगल, पहले तो ये देखो, पहले हम लिखेंगे AB is parallel to DC. This is given. AB is parallel to DC. अगर हम उसी line को produce कर रहे हैं, this implies AE is also parallel to, right? And now AD is parallel to CE. Why? Why AD is construction? By कंस्ट्रक्शन। अगर ये पूरी लाइन इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, हम बोल सकते हैं ये एक पैरेललोग्राम है। फर्स्ट स्टेप इज टू राइट दैट ए ई सी डी इज अ पैरेललोग्राम। अब हम लिखेंगे आल्सो ए डी इज पैरेलल टू सी ई, प्लीज लिखते जाओ जल्दी जल्दी, बाय कंस्ट्रक्शन। दिस इंप्लाइज ए ई सी डी इज अ parallelo, AECD is a parallelogram. Now if AECD is a parallelogram, then can I write, इसको भूल जाओ, angle 1 plus angle 4 180, why? Co-interior angles. अब हम लिख दिस, अब angle 4, 1 plus angle 4 आप लिखोगे, ये parallelogram है, this implies angle 1 plus angle 4 is 180 degree. Co-interior angles, also angle 2 plus angle 3 is 180, linear pair from 1 and 2, या 1 and 2 लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा लिखो
दिस इंप्लाइज क्या बात है बद्री पे वंशिका बेटा किस लिए बाद में बना लेना प्रूफ लिख लो ये 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 180 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 180 दिस इंप्लाइज कैन बी राइट एंगल 1 प्लस 4 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस 3 अब इसको एक बॉक्स में डाल लो और दे दो नंबर ठीक है फर्स्ट पार्ट में हमने क्या प्रूव करना है दैट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 आपके पास ये आया प्लीज समझो समझो भी ये यहां तक समझ आया सबको हमने प्रूव करना है 1 किसके इक्वल है 2 के अगर किसी तरह से हम ये प्रूव कर दे 3 और 4 बराबर है तो वो कट जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 2 समझ आ रही है नाउ व्हाट वी हैव टू डू वी हैव टू प्रूव दैट एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 हाउ वी कैन प्रूव दैट लुक हियर इट इज गिवन टू अस दैट AD इज इक्वल टू BC ये गिवन है AD इज इक्वल टू BC एंड AD इज इक्वल टू दिस CE आल्सो व्हाई अरविंद सिर्फ लिखने में ध्यान है बिकॉज इट इज अ पैरेललोग्राम अगर AD इसके भी इक्वल है AD इसके भी इक्वल है तो ये दोनों साइड आपस में इक्वल हो जाएंगी अगर ये दोनों साइड आपस में इक्वल हैं तो 3 इज इक्वल टू 4 एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल फिर हम उस एंगल 3 4 को इक्वल है तो वो कट कर देंगे हमारे पास आ जाएगा 1 इज इक्वल टू समझ आ गई बात ठीक है तो ये जो चीज है एंगल 3 इज इक्वल टू 4 या पहले भी कर सकते हो बाद में भी उसके बाद लिखू नाउ AD इज इक्वल टू BC गिवन ऑल्सो AD इज इक्वल टू CE बिकॉज ऑपोजिट ऐसे लिख दो ऑपोजिट sides of parallelogram are this is like this is very important question comes directly in 5 marks so you have to do the practice and you have to learn ek bar ke liye aapko ye practice kar ke learn hi karna padega ki is sum mein humne kya karna hai theek hai ekdam se agar aap abhi samjh lo aur aap socho ki ek bar karte hi aapko yaad rahega no bhul jata hai बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तो जाके पेपर में अटेम्प्ट कर पाओगे सही तरीके से ठीक है नाउ AD इज इक्वल टू BC AD इज इक्वल टू CE दिस इंप्लाइज BC इज इक्वल टू CE अगर BC CE के इक्वल है दिस इंप्लाइज BE के सामने BC के सामने एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3 रीजन लिखोगे एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल ठीक है नाउ फ्रॉम 1 ये जो हमने बॉक्स में किया है एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 3 4 के बराबर है तो मैंने 4 की जगह पे क्या लिख दिया 3 why because angle 3 is equal to angle 4 this implies angle 1 is equal to 2 that is angle A is equal to B as we have proved the first ab easy hai एक पार्ट किया करना पड़ेगा करना ही पड़ेगा जब आपको क्वेश्चन समझ आ जाता है ना वंशिका जैसे हमें पता चल गया हमें क्या करना है तब वो बड़ा इतना सारा लिखा हुआ भी छोटा सा लगता है राइटिंग में ज्यादा ना अभी आपने ये फर्स्ट टाइम किया इसलिए आपको लगता है कितना लंबा किया और अभी तक सिर्फ फर्स्ट पार्ट ही हुआ है बट व्हेन यू विल लर्न दिस क्वेश्चन यू विल कि आपको पता चल जाएगा हाउ यू हैव टू डू देन इट विल लुक स्मॉलर ये नेचुरल है लिख लिया आदित्य पब्लिक है ठीक
आगे देखिए, नेक्स्ट आपने क्या प्रूव करना है, एंगल सी इज इक्वल टू डी, 5 इज इक्वल टू 6. नाउ सी, ये लाइंस पैरेलल हैं. फॉर सेकंड पार्ट, ए बी इज पैरेलल टू, सेकंड पार्ट के लिए करेंगे बेटा. नाउ ए बी इज पैरेलल टू डी सी एंड ए डी एंड बी सी आर ट्रांसवर्सल्स, है ना. ये लाइन पैरेलल है, ये भी ट्रांसवर्सल है, ये भी ट्रांसवर्सल है. दिव्यांशी ठीक है. दिस इंप्लाइज, हम लिख सकते हैं अगर ये दोनों लाइन पैरेलल लाइन, ये ट्रांसवर्सल, एंगल 1 + 5 180. अब ये वाले एंगल लेनी, पहले ये वाले एंगल लिए को इंटीरियर में, अब ये साइड वाले, ये ऑटोमेटिकली को इंटीरियर ऑलरेडी है क्योंकि ये लाइन गिवन है कि पैरेलल, ठीक है. एंगल 1 + एंगल 5 इज 180 degree, को इंटीरियर एंगल्स, एंगल 2 + एंगल 6 इज ऑल्सो 180 को इंटीरियर एंगल्स. दिस इंप्लाइज एंगल 1 + एंगल 5 इज इक्वल टू 2 + एंगल 6. 1 2 के बराबर है, ये कट जाएगा, 1 2 के बराबर है. यहाँ पे लिखोगे बिकॉज, ये बिकॉज का सिंबल होता है, अगर आप इस तरह से डालते हो देयर को, अगर ऊपर दो और नीचे एक, तो दैट इज अ सिंबल ऑफ बिकॉज. दिस इंप्लाइज एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, और वी कैन से एंगल सी इज इक्वल टू एंगल, फ्रॉम यूजिंग द फर्स्ट पार्ट वी विल प्रूव द सेकंड पार्ट. रिधिमा आज फंस गई है, आप तो गायब ही हो गए थे, ऑनलाइन क्लासेस लगाते नहीं थे, फोटोज में बिजी हो. हाँ कल ही देखा आपका स्टेटस है, मैं बस थिंकिंग ये तो गायब हो गई. और ये भी है लक्ष्य, हर बात में हंसी, हर बात में हंसी. नेक्स्ट, ये कौन है साली, वेरी बैड. नाउ थर्ड पार्ट में हमने प्रूव करना है एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू बीएडी. एबीसी, लुक हियर बेटा, थर्ड पार्ट में हमने प्रूव करना है एबीसी ट्राइंगल है, एबीसी ट्राइंगल है तो इसको ज्वाइन करना पड़ेगा. ये अपने आप ही ज्वाइन कर दो आप, क्योंकि उन्होंने ट्राइंगल दिया, इसलिए हमें कंस्ट्रक्शन में लिखना जरूरी नहीं है ज्वाइन एसी एंड बीडी. जब उन्होंने ट्राइंगल एबीसी बोल दिया तो अंडरस्टूड है कि आपको ये लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, ठीक है. ट्राइंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बीएडी. Now this triangle and this triangle you have to prove congruent. Angle 1 is equal to angle 2? Yes. Proved above. AB is equal to AB. And AD is equal to BC. Given. Therefore by side, the triangles are congruent. If the triangles are congruent, then AC is equal to BC. Or अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो डायगनल एसी इज इक्वल टू डायगनल बीडी. इन ट्राइंगल आई एम गोइंग टू रब दिस, ये रब कर दो. एग्जांपल्स दी. First eight questions. एक मिनट बेटा, fine. बेटा इसका ही लेना पड़ेगा, गंदा चैप्टर जैसे ही है, तुम बहुत टाइम वेस्ट करवाते हो. चलो ओके, कंप्लीट कैसे होगा फिर हम रिवीजन, नहीं एक मिनट, 8.1 का टेस्ट लेते हैं, 8 questions, ठीक है.
हाँ पहले आठ क्वेश्चन अच्छे से पढ़ कर। हाँ जी हाँ जी, कहाँ गया क्वेश्चन? ए बी सी एंड ट्राइंगल, आवाज नहीं। ए बी इज इक्वल टू बी ए कॉमन, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, प्लीज डोंट टॉक, प्रूव द अबव एंड BC is equal to AD given, therefore triangle ABC is congruent to triangle BAD by SAS rule. This implies and AC is equal to BD CP C. Report part. फिगर बना ली सबने? एंगल्स मार्क कर लिए एवरीवन? कहाँ बना रहे हो आदित्य फिगर? ये ट्रायंगल बनाने के लिए जगह है आपके फिर वहां? दिस पोर्शन एवरीवन इज रिटन? नाउ 8.1 इज कंप्लीट। कांट यू प्रिपेयर फॉर लाइक 8.1? 1 मिनट दिमाग, 1 मिनट। नो ओनली 8 क्वेश्चंस? गलती तो मेरी है, मैंने आपको पहले मैसेज नहीं किया, वरना तो आपने फिर भी नहीं था आप मेरे को बोल रहे हो। चलो 8 क्वेश्चन अगली बार में मैं ऐसे बोल रही हूं। नाउ नेक्स्ट वी हैव राइट डाउन मिड पॉइंट थ्योरम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम एंड 99% इट कम्स इन द एग्जाम। Midpoint theorem, write down heading. Midpoint theorem. रिद्धिका देखो बहुत बात करता है ये, नहीं करता आप, सच बताऊं मुझे? एक मिनट, ये कुछ ना कुछ बोलते ही रहता है, मैं वही बोल रही हूँ। I'll talk to श्वेता मैम, ऐसे तो आप ये तीनों बच्चियां खराब हो रही हैं, फिर कहेगा बोलते ही रहता है, पढ़ता तो तू है नहीं अरविंद। क्वेश्चन रह गया, कैसे रह गया, इतना स्लो करवाया, रह कैसे गया? इसका मतलब तुम्हारा ध्यान बातों में था, अगर बंदा ध्यान से करे तो क्वेश्चन नहीं रह सकता। राइट डाउन मिड पॉइंट थ्योरम, पेपर में आएगा स्टेट एंड प्रूव मिड पॉइंट थ्योरम, तो पेज नंबर 148 पे देखिए, ये इसकी स्टेटमेंट है विच यू हैव टू लर्न। राइट डाउन मिड पॉइंट थ्योरम हेडिंग दे दी, उसके बाद लिखो स्टेटमेंट। हाँ जी, मिड पॉइंट थ्योरम, जब भी आपने थ्योरम करनी है सबसे पहले आपने स्टेटमेंट लिखनी है। लिखो लिखो, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, बुक में देखो सॉरी ये देखो थ्योरम 8.9, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल, जल्दी जल्दी, इज पैरेलल टू थर्ड साइड
The line segment joining the midpoint of two sides of a triangle is parallel to third side and आगे complete करना है parallel to third side के बाद and लिखो अपने book में लिखो and is half of it third side के बाद and is half of and is half of it ये book में add कर लो please. The line segment joining the midpoint of two sides of a triangle is parallel to third side and is half of it. What does it mean? Look here on the board. Now, the line segment joining the midpoint of two sides of the triangle. Ab isme given kya hai? That we have a triangle, say ABC, and there are two midpoints. The line segment joining the midpoints of two sides of a triangle means एक ट्राइंगल की जो दो साइड्स हैं उसमें जो मिड पॉइंट है उन दोनों को ज्वाइन करते हुए जो लाइन है दैट इज पैरेलल टू द थर्ड साइड व्हाट वी हैव टू प्रूव दैट डीई इज पैरेलल टू बीसी एंड डीई इज हाफ ऑफ बीसी. बात समझ में आ गई? पहले अब इसके लिए गिवन लिखो. सबसे पहले स्टेटमेंट लिख ली सबने, ठीक है? उसके बाद फिगर तो बनानी है. इसके बाद आप लिखेंगे गिवन स्टेटमेंट के बाद इन ट्राइंगल एबीसी डी इज मिड पॉइंट ऑफ एबी ई इज मिड पॉइंट ऑफ एसी टू प्रूव DE is parallel to BC and DE is half of BC. This we have to prove. In order to prove this, we have to draw a construction. Which construction? Look here. We have to produce DE. सुन लो प्लीज, मैं लिखवा लिखती हूँ फिर कंस्ट्रक्शन. आप एक तो ये जो शेयरिंग है ना उसमें बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है और ध्यान भी डाइवर्ट होता है. कंस्ट्रक्शन आपने करनी है प्रोड्यूस DE टू F सच दैट CF is parallel to BD. आपने अपनी कंस्ट्रक्शन में एक ऐसी लाइन बनानी है, एक ऐसी लाइन सेगमेंट बनानी है जो BD के क्या है? पैरेलल. जो BD के क्या है? पैरेलल. ठीक है, लिखो कंस्ट्रक्शन. प्रोड्यूस BE टू F ऐसे लिखो. ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम सी मीटिंग बीई प्रोड्यूस्ड. ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम सी meeting DE produced at F such that CF is parallel to such that CF is parallel to AB. हमने अपनी कंस्ट्रक्शन में एक ऐसी लाइन ड्रॉ की जो ये CF इस पूरी लाइन की क्या है? हाफ के भी पैरेलल होगा, हमने पूरी लाइन के पैरेलल लिखना है. CF is parallel to फिगर जिससे बना लिया वो एंगल्स दो. यहां वन, ये टू, ये बेटा थ्री, ये फोर. जल्दी लिखो, हम तीनों चारों सेक्शन से पीछे हैं. पता नहीं कितना हो गया लेकिन वो सारे हमसे आगे हैं. प्लीज बी क्विक.
चलो वो तो ठीक है, एक दो दिन की बात होती है, बट स्टिल जो बराबर पीरियड्स लग रहे हैं बराबर काम चलना चाहिए ना। ये लिख लिया बेटा, अब हम लिखेंगे प्रूफ। देखिए इन दिस थ्योरम, लुक हियर एवरीवन, प्रांशी प्लीज अंडरस्टैंड द थ्योरम। वी नीड टू प्रूव दैट DE इज पैरेलल टू BC एंड DE इज हाफ ऑफ BC। हाउ वी कैन प्रूव दिस? वी कैन प्रूव दिस इफ इन एनी केस वी प्रूव दैट दिस BD FC इज अ पैरेलल। अगर अब हम इस फिगर को, ये जो इसको पैरेललोग्राम प्रूव कर दें, नीचे वाला जो हमारा पैरेललोग्राम हमें दिख रहा है, दिखने में नहीं, हमें प्रूव करना है कि ये पैरेललोग्राम है, तो हम लिख सकते हैं कि पैरेललोग्राम है तो DF इज पैरेलल टू BC। अगर DF पैरेलल है तो DE भी पैरेलल होगी BC के, ये हो गया, हो जाएगा। अब हमने प्रूव करना है एंड इज हाफ ऑफ इट। अगर ये पैरेललोग्राम है तो मैं लिख सकती हूँ DF इज इक्वल टू BC, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। DF क्या होता है? DF क्या है? DE प्लस BC, ठीक है। अब हम किसी बार यहाँ पे ये भी प्रूव करेंगे कि DE किसके इक्वल है? EF के। ये गिवन नहीं है, ये हम प्रूव करेंगे अभी। DE EF के इक्वल है तो ये EF की जगह पे मैं लिख सकती हूँ DE, या इसको छोड़ो, अगर ये इसके इक्वल है तो पूरे DF को लिख सकते हैं हम ट्वाइस ऑफ DE। करेंगे ये, करेंगे ये, करेंगे नहीं। E is a midpoint, E is a midpoint of AC बेटा, not DF, ठीक है। ये हम प्रूव करेंगे कि DE किसके इक्वल है? EF के। तो DF को लिख देंगे twice of DE, so DE is half of BC। so first part, first main हमारा इसमें आपने याद रखना है कि आपको ये प्रूव करना है कि ये एक पैरेललोग्राम। अब देखो सबसे पहले इसको पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए इन मिड पॉइंट थ्योरम यू हैव टू प्रूव दीज टू ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट। एंगल वन इज इक्वल टू टू, वर्टिकली ऑपोजिट। ये लाइन पैरेलल है बाय कंस्ट्रक्शन, ये वाली और ये वाली लाइन पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल। तो एंगल थ्री इज इक्वल टू एंगल फोर, ऑल्टरनेट एंगल्स, एंड ए इज इक्वल टू सी बिकॉज ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए। So therefore, by angle-angle side, the triangles are congruent. If the triangles are congruent, then this AD is equal to CF and DE is equal to. समझ आ गई बात? लिखो फटाफट से. In triangle proof, लिखो. In triangle ADE and triangle CFE AE is equal to CE, ठीक है। एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। एंगल थ्री इज इक्वल टू एंगल फोर, ऑल्टरनेट एंगल्स, एज CF इज पैरेलल टू AB। ये पूरा लिखो, ठीक है। एंड AE इज इक्वल टू CE, E इज मिड पॉइंट ऑफ AC। आई विल टेक 2-3 मिनट्स एक्स्ट्रा, आई हैव टू प्रूव दिस थ्योरम, ठीक है। दिस देयरफॉर ट्रायंगल ADE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CFE बाय angle angle side rule. This implies AD is equal to CF and DE is equal to FE. इसको दे दो नंबर वन by CP.
लिख लिया बेटा, ये सारा लिख लिया सबने। अब देखिए, now what we have to do, we have to prove that this is a parallelogram, we will use this. AD is equal to CF? Yes. AD is equal to BD? Why? Because D is midpoint. ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। BD is equal to CF. AD is parallel to CF by construction. And CF is parallel to AB. CF is parallel to BD also. तो इसका मतलब ये इसके इक्वल भी है, ये इसके पैरेलल भी है। If one pair of opposite sides are parallel and equal, then it is a parallelogram. ये बात समझ में आ गई सबको? लिखो पहले। Now, AD is equal to BD. D is midpoint of AB and AD is equal to CF. This implies DD is equal to CF number 2. ये देखो, AD BD के इक्वल है, AD CF पे इक्वल है, तो ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। इसको दे दो number 2. Also, CF is parallel to AB construction. This implies CF is parallel to BD. Number 4, 3. ये from 2 and 3, BD FC is a parallelogram. Now this is a parallelogram. Therefore, DF is parallel to BC. This implies DE is also parallel to BC. इसके बाद आपने continuation में करना है. Also, DF is equal to BC. मेरे को ना खुला नहीं, मेरे सेंटर नहीं पता चला, किया था आया नहीं, वो खुल गया था, नॉमिनेटेड है, बताती हूँ। यस, नोट डाउन क्विकली।